नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नदबई क्षेत्र के गादौली परहरसर मोड़ के बीच देर रात आवारा सांड की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच घायल युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। बाद में लखनपुर थाना पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल कर मृतक युवकों के शव को जिला चिकित्सालय के मुर्दावा घर में रखवाया। बाद में पुलिस ने दोनों शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस सूत्रों की माने तो गांव देर रात गादौली निवासी तीन युवक ग्राम पंचायत परहरसर में आयोजित अम्बेडकर भवन के भूमि पूजन समारोह का टेंट लगाकर बाइक से अपने गांव गादौली लौट रहे थे। इसी दौरान मोड़ पर अचानक आवारा सांड की चपेट में बाइक आने से हादसा हो गया। हादसे में मिंटू सैनी व सुदामा उर्फ भूपेंद्र सैनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दौलत सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच ग्रामीणों की सहायता से घायल युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। बाद में जिला चिकित्सालय में दोनों मृतक युवकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। उधर हादसे में दो युवक की मौत होने की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया, तो परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। दिनांक 3/11/2022 को खैरसर और गादौली के बीच में रात्रि करीब 10 बजे और मोटरसाइकिल सवार तीन जने एक कोई सांडवान कोई जानवर आ गए थे, उनसे टकरा गए, जिसमें भूपेंद्र सिंह और सुदामा पुत्र श्री रामवीर सिंह उम्र करीब 35 साल जाति सैनी और दूसरा है मिंटू और बंदर पुत्र ब्रजमोहन उम्र करीब 21 साल जाति सैनी निवासी आन गादौली, इनकी डेथ हो गई है। और एक व्यक्ति और है सुदामा नाम का, वो उसके क्या है कि परसा जान हुए हैं, उसका इलाज जारी है राज ट्रोमा हॉस्पिटल भरतपुर में, ठीक है सर, उसके परसा जान पर कायमी दर्ज कर ली गई है, यहाँ पर अनुसंधान जारी है और पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। आरपीएम